Hi guys, in this video we will study the chapter states of matter. So we have three states of matter: solid, liquid and gas. Solid ki hamare paas fixed shape, fixed volume hoti hai. Liquid ki fixed volume to hoti hai par fixed shape nahi hoti hai. Gas ke case mein hamare paas na to fixed shape hoti hai na hi fixed volume hoti hai. And obviously jo ke hamare states hote hai matter ke, इन ये किसी न किसी एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं. सो मॉलिक्यूल्स में फर्दर हमारे पास दो टाइप की टेंडेंसीज आ जाती हैं. फर्स्ट वन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड सेकेंडली वी हैव एस्केपिंग टेंडेंसी. म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड एस्केपिंग टेंडेंसी से हमें पता लगता है कि वो एक दूसरे से कितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कितना रिपेल कर रहे हैं. तो म्यूचुअल अट्रैक्शन जिस केस में एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होगी, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा और एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, तो ये होगा हमारा सॉलिड के केस में. अगर दोनों इक्वल हैं तो वो लिक्विड का केस हो जाएगा. एंड अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन हमारी कम है एस्केपिंग टेंडेंसी से तो ये हमारी गैस का केस हो जाएगा. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में नेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब यहाँ पर भी हमारे पास चार केसेस बन जाते हैं. केस नंबर वन जहाँ पर हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, केस नंबर टू हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, केस नंबर थ्री हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, केस नंबर फोर इज लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. अब हमें देखना है कि हमारी गैस आइडियल हो, उसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, इन चारों केसेस में से कौन सा केस. तो आइडियल होने के लिए हमारा प्रेशर कम होना चाहिए, यानी कि जितना कम से कम हम प्रेशर अपनी गैस पर डालेंगे उतने ही ज्यादा उसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकेंगे. तो हमारा प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर हमारा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो हमारे गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शंस में मूव करेंगे. यानी कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए फॉर अ गैस टू बी एन आइडियल गैस. सो नाउ वी कम टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस. हम गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज को देखते हैं. गैस की पांच मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं: मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. तो ये पांचों हम गैस के अंदर मेजर कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी कम टू मास. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये हमारा ब्लॉक है ये एम्प्टी है, यानी कि जो भी हम कंटेनर मान लें या ब्लॉक मान लें ये एम्प्टी है. जैसे हमने गैस फिल करी है, पहले इसका वेट था W1 ग्राम एंड अब इसका वेट हो गया W2 ग्राम. तो हमारी गैस का वेट अगर हमें निकालना हो तो हमारी गैस का वेट आ जाएगा W2 - W1 ग्राम. तो इस तरह से हम हमारी गैस का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस. सेकेंडली वी हैव वॉल्यूम एज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी. सो गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड. तो गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती है वो उसी कंटेनर की वॉल्यूम ले लेती है, यानी कि कंटेनर की वॉल्यूम वी है तो गैस की वॉल्यूम भी वी हो जाएगी. सो गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड. सो यहाँ पर अगर हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर हमने नीचे सॉलिड रख दिया है कोई, तो सॉलिड के अंदर तो गैस जा नहीं पाएगी क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड है, मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, तो उसके अंदर गैस एंटर नहीं कर पाएगी. तो मान ली हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड x है, कंटेनर की पूरे की वॉल्यूम हमारे पास हो जाती है v, और वॉल्यूम ऑफ गैस अब हमें निकालनी है तो हम टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैस की वॉल्यूम आ जाएगी, यानी कि वी माइनस एक्स. अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं हमारे कंटेनर के वॉल्यूम है वी और हमने इसमें गैसेस डाली हैं तीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये नहीं है कि तीनों की वॉल्यूम V/3 हो जाएगी, इनफैक्ट तीनों की वॉल्यूम V ही रहेगी जो कि कंटेनर की वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस भी V होगी एंड ऑक्सीजन की भी V, नाइट्रोजन की भी V. कंडीशन ये रहेगी कि गैसेस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. अगर गैसेस रिएक्ट करेगी तो उनकी वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारी गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो तीनों की इक्वल वॉल्यूम होगी और वो पूरे कंटेनर में एक्सपैंड होंगे तो कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल ही होगी.
Now we come to the third measurable property, called as temperature. So हम मानते हैं कि temperature of a gas depends upon the kinetic energy of a gas, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी gas की kinetic energy होगी उतना ही ज़्यादा हमारा temperature होगा. तो यहाँ पर हम temperature को directly proportional मान लेते हैं kinetic energy के. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, या हम उल्टा भी मान सकते हैं, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. तो जैसे जैसे उसके पार्टिकल्स में मोशन ज़्यादा होगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और यहाँ पर हमारी ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास आ जाती है केल्विन, और हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखेंगे. अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस का टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे. और अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करके उसको पहले सेल्सियस में लाएंगे, फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करके उसको केल्विन में लाएंगे. नाउ वी कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस विच इज़ मेजरेबल. सो इट इज़ प्रेशर. सो प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो इधर उधर मोशन में होंगे, तो वो दूसरे पार्टिकल्स पे तो मोशन लगा ही रहा है, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स पे तो मोशन लगा ही रहा है, यानी कि अपनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो किसी कंटेनर की वॉल पर जाकर मोशन यानी कि फोर्स लगाते हैं तो उसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोल देते हैं प्रेशर. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया, तो जो हमारे कंटेनर के वॉल्स पर जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा यूनिट हमारे पास आ जाते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं पास्कल के. एंड दिस वॉज दी फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस. मैंने आपको फिफ्थ बोल दिया था गलती से. नाउ वी कम टू द फिफ्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस, दैट इज डेंसिटी. डेंसिटी हमारे पास हो जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी. डेंसिटी हम किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकालते हैं पॉपुलेशन अपॉन एरिया, तो हम इसको सिर्फ डेंसिटी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मास डेंसिटी ऑफ अ गैस. जैसे कि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि क्या चीज़ फैली हुई है और किस चीज़ पर फैली हुई है. यहाँ पर मास हमारा किसी वॉल्यूम में फैला हुआ है. पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी होती है तो हम पॉपुलेशन अपॉन एरिया करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन फैली हुई है और एरिया पर फैली हुई है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता, ये सिर्फ मास डेंसिटी का फॉर्मूला है. डेंसिटी का फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन क्या चीज़ फैली हुई है अपॉन किस चीज़ पर फैली हुई है. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी. And that's all for this video. And if you like the contents of my video, then please do like, comment, subscribe and share it. And I'll be back with some more video, some more chapters. Till then, keep revising.